I joined Akash in 9th standard. So I joined early, I gave Anthay in 8th standard. Pretty much a game changing moment for me. Now I'm competing all across India. हेलो हेलो वेलकम एवरीवन टुडे इज द फाइनल सेशन फॉर योर मिड टर्म्स लाइट चैप्टर्स एंड लाइट एंड ह्यूमन आय आज फाइनल सेशन है इसके बाद मिड टर्म वाला खेल खत्म आगे की बात करेंगे यस वेलकम वेलकम एवरीवन अरे वाह आई कैन सी ऑल ऑल वेरी गुड ओल्ड नेम्स फ्यू न्यू नेम्स हे गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्ते वनकम सत श्रीकाल नमस्कार असलाम कमान हेलो एक बार बताओ हाउ मेनी फू कितने लोग का एग्जाम हो गया है हाउ मेनी डन विद योर मिड टर्म एग्जाम्स हे यस यस गुड इवनिंग यू आर डन ना डन विद मिड टर्म्स Not yet. अच्छा कल लास्ट है ऑल द बेस्ट चल रहे हैं अरे भाई जय श्री रामस कैसे जा रहे हैं एग्जाम तुम लोग के हाउ आर यू साइंस एग्जाम स्पेसिफिकली कैसे जा रहे हैं अच्छा मैथ पेपर छूट गया ओह कोई नहीं सुरेश मिड टर्म तो था अच्छी बात है बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गया ओ oh, श्रेया नाइस <laughs> दिशा ये <laughs> <laughs> कल साइंस का है ना हाँ आज मैथ था फोर्टी टू आउट ऑफ फिफ्टी कोई बात नहीं थी ओके तो मिड टर्म था फिजिक्स बहुत अच्छा गया वेरी गुड जियान गुड ना फोड़ दिया पेपर अरे वाह बहुत अच्छे नाइस nice, नाइस nice, ठीक है सो so टुडे आज फाइनली लेट्स टॉक अबाउट फुल क्वेश्चंस फ्रॉम लाइट एंड ह्यूमन आई भाई टर्म में हमने तैयारी तो इनकी करी है एटलीस्ट फ्रॉम आर साइड आज फाइनली इसका चैप्टर खत्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी पे राइट फॉर क्लास टेंथ इसके बाद होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड एंथे फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल टॉक अबाउट एंथे एज वेल एज न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी ठीक है यस अरे वाह है साइंस का तो बच्चों जिनका पेपर है ऑल द बेस्ट एंड जिनका हो गया बढ़िया बहुत अच्छे है ना आगे की बात करेंगे राइट कम ऑन टुडे इज द कंप्लीट फिजिक्स मेंटी फॉर मिड टर्म एंड यस इट्स अ मेंटी सेशन सो लेट्स लॉग इन कम ऑन लेट्स लॉग इन टू मेंटी द कोड इज 52118162 लेट्स लॉग इन टू मेंटी www.menti.com थैंक यू रानी यस जेईई प्रेप नहीं हो रहा आई नो नी ऐसा होता है यार इलेवन ट में आई टेल यू हमारे साथ भी यही होता था कि वी वर बोर्ड पे ध्यान दें जेई की तैयारी करें सो आई वुड से ना डोंट वरी अबाउट जेई फोकस अबाउट बेसिक्स बेसिक्स कवर करोगे ना जेई की तैयारी अपने आप होती रहेगी है ना डोंट वरी द कोड इज फिफ्टी टू इलेवन एटी वन सिक्सटी टू ये लास्ट मेंटी है मिड टर्म्स के लिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग अरे वाह थैंक यू भाग्या आई एम गुड देविका हाउ आर यू राइट कम ऑन पीपल लेट्स लॉग इन टू मेंटी एंड बाय द वे इफ इज देर एनी वन हुजेंट नो अबाउट एंथे किसी कोई ऐसा है जिसको एंथे के बारे में नहीं पता जल्दी बताओ ऐसा कोई जिसको एंथे के बारे में नहीं पता हेलो समीता हाँ हाँ आयुष अरे दोबारा करेंगे हम ये सब ओ दीर्घ यू डोंट नो अबाउट दिस अब ठीक है देखो सुनो वेरी 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 बहुत जल्दी बताऊंगा मैं एंथे क्या है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम और जिनको पता है उनको भी एक चीज में बताता हूं बार बार भूल रहे हो तो दोबारा बताऊंगा एंथे एंथे इज आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम क्या होता है सर ऑल इंडिया लेवल पे क्लास सेवेंथ से क्लास ट्वेल्थ के लिए एग्जाम होते हैं ग्रेड वाइज ठीक है दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम हमने जो वीडियो देखा स्टार्टिंग में दैट वॉज ऑफ टॉपर तनिष्का द द फीमेल टॉपर ऑफ जेई नीट के टॉपर से बात की जे के टॉपर से बात की एवरीबडी सेड के एंथे सर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एंथे दिया हमको बहुत अच्छा सीखने मिला बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला कि ऑल इंडिया पर हम पता चला हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कौन कितने पानी में है दैट इज इंपोर्टेंट बट उसके अलावा सर क्या मिलेगा

रहना जाना खाना पीना सीखना वापस आना सब फ्री है उसमें ठीक है ऑल एक्सपेंस फ्री ट्रिप नवंबर टू ऑनलाइन एग्जाम है सिक्स टू थर्टीन ऑफलाइन एग्जाम है एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है द लिंक फॉर एनरोलमेंट इज इन गिवेन डिस्क्रिप्शन मेक श्योर यू रजिस्टर फ्री है अब ये हुआ जिनको नहीं पता था राइट right? जिन लोगों को नहीं पता था पीपल हु डोंट नो अबाउट एंथे यू रजिस्टर उट एन थे मेक श्योर यू स्प्रेड दर्ल्ड मेक श्योर यू टेल अदर पीपल है चांस ठीक है पैसे नहीं है कोई बात नहीं मेरे दोस्त एग्जाम दे अच्छा करेगा टैलेंट होगा तो तेरा पढ़ाई फ्री ठीक है ठीक है साइंस का हो गया ना आते वेरी गुड चलो ठीक है एंथे मेक श्योर यू रजिस्टर अब देख लेते हैं कितने लोग आ चुके हैं 42 लाइव कितने है? कोई बताएगा लाइव कितने हैं मेरे पास फोन नहीं है मेरा अभी चार्ज पे लगा रखा है मैंने बाहर हाउनी many लाइव राइट नाउ 78 एट अच्छा 58 एट इज ऑन मेंटी रेस्ट कमऑन कमॉन ज्वाइन लेट्स गो है ना कमऑन पीपल रेस्ट ऑफ़ यू जल्दी आज टेंथ के बच्चे कम दिख रहे हैं ना सेवेंटी एट ज्यादा आते हैं हमेशा लग रहा होगा एग्जाम सबके है ना थोड़ा चिल मोड में अभी राइट यस या खुशी ज्वाइन ज्वाइन है ना एंड रेस्ट ऑफ यू बाकी प्लीज मेक श्योर यू लाइक द सेशन बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ना आई कैन टेल यू इनफ कितना जरूरी है जस्ट चिल नो लेट्स गो <laughs> <laughs> खुशब का सेशन चल रहा है क्या अभी हो गया होगा स्टार्ट ठीक है यू हैव द कोड फाइव टू डबल वन एट वन सिक्स टू जल्दी ज्वाइन करो यस कमान 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 इतना मैं देख लेता हूं जरा कौन कौन है डोनट है यहाँ पे रोबोट इज आल्सो देयर ये हैट बहुत बड़ा है भाई हु इज द हैट इतना बड़ा आर दी इज कॉनकेव मिरर साइन कॉनकेव मिरर साइन है क्या इसमें कौन सा कॉनकेव मिरर साइन नहीं दिख रहा है मेरे को कॉनकेव 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 मिरर साइन नो आई कांट सी कॉनकेव मिरर साइन हे यस सोमवीर शिप यू आर अ शिप हां चलो चलो ज्वाइन करो भाई हम टाइम पास कर रहे हैं ताकि तुम लोग ज्वाइन कर सको जल्दी यस yes, सुरेश डेफिनेटली शिवू यू आर हेट यू आर वेरी बिग चलो पीपल आई एम स्टार्टिंग थ्री टू आस्था यस यूल गेट द नोटिफिकेशन है ना थ्री टू वन लेट्स गो फर्स्ट क्वेश्चन दोनों चैप्टर हमने अच्छे से किए हैं ट्राई की गलती ना हो मिसक्लिक के अलावा ठीक है

अरे बन जाएंगे आपसे डोंट वरी ट्राई तो करो हाँ इट्स अ गुड थिंग दैट यू कम एंड यू ट्राई दीज थिंग्स वरना बच्चे भूल जाते हैं नाइन्थ करा टेंथ किया फिर भूल जाते हैं वर्चुअल इमेज जब अच्छा अभी भी गलती हो रही है क्या डर तो नहीं है ना रेस्ट कमॉन एक बात बताओ यार आई एम आस्किंग यू सीरियसली ये तो सबको पता था ना कि सर रियर व्यू मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर है ना सर कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इमेज है ना वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज डिमिनिश्ड भी तो होता है इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड भाई कॉन्वेक्स मिरर कैन इट एवर गिव यू मैग्नीफिकेशन मोर देन वन वन से बड़ा मैग्निफिकेशन दे सकता है कभी कभी दे सकता है बताओ मैग्निफिकेशन नहीं पता

थर्ड वाज़ वर्चुअल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन वन फोर्थ वाज़ वर्चुअल इमेज़ ऑफ़ ऑब्वियसली ऑलवेज लेस देन वन भाई कॉन्वेक्स मिर है सर वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश का मतलब सर छोटी बनेगी इमेज हमेशा ऑलवेज इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट राइट

तभी तो कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर गिव यू मैग्निफाइड इमेज राइट है ना यस हेलो टेक्निकल ऋषि अरुण अरुण द लेसन आर लाइट एंड ह्यूमन आई यस यस श्रेय यस करेक्ट इट्स ओके इट्स ओके नॉट अ प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन है कोई बात नहीं कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन स्केट ऑफ मैथ तारुषी प्रैक्टिस ओके लेट्स स्टार्ट थ्री टू वन गो क्वेश्चन नंबर टू लेट्स सी यस जय माता दी चलो एसर्शन इट्स एन एसर्शन रीजन क्वेश्चन डरना नहीं है इससे ठीक है आसान है ध्यान से पढ़ना टाइम लेना सॉल्व करना एसर्शन क्या बोल रहा है द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन ध्यान से ना गलती नहीं होनी चाहिए रीजन स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम

यस जैन सी राइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम है ना रेलेटिव होता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम एप्सोल्यूट क्या होता है सर एप्सल्यूट होता है मीडियम टू वैक्यूम या फिर एयर है ना मीडियम टू वैक्यूम और एयर सो एक बात है एप्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया एन वन एन टू विल ऑलवेज ग्रेटर देन वन क्यू एब्सोल्यूट होता है विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम वैक्यूम और एयर का होता है कितना वन है ना मीडियम का वन से ऊपर ही होगा और दूसरी चीज रिकॉर्ड ले लो वॉट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है मैक्सिमम मीडियम में तो कमी होगी इसलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन ठीक है उसका डरना नहीं है वन हो सकता है अगर वो वैक्यूम हो या एयर हो मोर देन वन होगा अगर कोई और मटेरियल हो लेकिन रेलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू क्या होता है सर एन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू अच्छा एन वन अपॉन एन टू राइट है ना ओ इट्स ओके कोड कोड है फाइव टू डबल वन एट वन सिक्स टू रेलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम अपॉन दूसरा मीडियम मेरे को एक बात बताओ चलो आई लास्ट यू समथिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी मोर देन वन और लेस देन वन यस कौन तारोशी आंसर दिस इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी मोर देन वन लेस वन झनसी मोर देन वन जानवी सैन वन मोर देन शिवानी मैंटी डॉट कॉम पर जाओ और कोड डालो देखो वॉटर क्या है वॉटर इज अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना वॉटर इज अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर वॉटर का होता है 1.33 एयर so क्यों? से अगला क्वेश्चन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर मोर देन वन लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर मोर देन वन लेस वन डायमंड कितना होता है अविनाश मोर देन वन लेस तनिष्का लेस लेस क्यू बोल रहे हो अरे लेस कैसे बोल रहे हो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है वन पॉइंट फाइव ग्लास इज अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वॉटर है ना समझ रहे हो अब अगर मैं तुमसे पूछू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये कैसा आएगा

डेंसर मीडियम इन डिनोमिनेटर इक्वल्स मोर देन वन यस ठीक है चलो क्रिस्टल क्लियर ना बहुत बढ़िया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का आयुष कमान नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष सोचना एक बार एक बार पेपर पेन लेके बैठो और उसमें करना वाटर का एयर से ग्लास का वाटर से वाटर का ग्लास से एयर का ग्लास से ये करोगे समझ में आ जाएगा तुमको क्वेश्चन नंबर थ्री कमान द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय ये तो आसान है यार बहुत इज अ प्रॉब्लम यार देखो होती है बहुत इसका लेकिन एक ही सॉल्यूशन है प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ना ये ध्यान रखना कि मैं बार बार यहां गलती करती हूं इसको भी ध्यान रखना ठीक है यस इन वन सेकेंड आंसर ठीक है पिछला वाला क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू जिसको समझ नहीं आया ना एक बार पेपर पेन लेके बैठो एब्सोल्यूट इंडेक्स इंडेक्स रिलेटिव और निकाल के देखो पानी का एयर से ग्लास का एयर से एयर का ग्लास से एयर का पानी से क्लियर हो जाएगा प्यूपिल ये तो आसान है प्यूपिल क्या होता है है ना प्यूपिल इज द होल व्हिच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग राइट यस अरे वाह तारुषि ऑल द बेस्ट ये नहीं पता ओ oh, दिशा ठीक है ह्यूमन आई पिछली बार था नहीं शायद ये पार्ट्स ऑफ आई था ना शायद राइट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है आदिश्री, यू हैव कॉन्फिडेंस डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी लुक एट लु आई एम एक्सप्लेनिंग डोंट वरी आयरिस करेक्ट आयरिस होता है क्या सेट ऑफ मसल्स विच कंट्रोल प्यूपिल। ये जो आंख का कलर होता है ना ब्राउन ब्लैक दैट इज द आयरिस कलर यस वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चों नाइस ऑन लेट्स मूव फॉरवर्ड देन Question number four. Come on. This is black. Dark muscular diaphragm. Yes. A candle is placed at 45 centimeters from a lens. You have a copy and notebook, right? Sorry, you have a copy, you have a notebook and a pen, right? The image is formed on a screen kept at 90 centimeters on the other side. Okay. Find the focal length. ए बी सी डी देखो ए ऑप्शन बोल रहा है प्लस थर्टी सेंटीमीटर्स बी बोल रहा है माइनस थर्टी सी बोल रहा है प्लस सिक्सटी डी बोल रहा है माइनस सिक्सटी एंड आंसर्स आई एम गेटिंग राइट नाउ इज टीनी केबल्स ने सारे दे दिए ए बी सी डी जानवी सिंह बी आयुष सिंह आई का डायग्राम क्या होता है आयुष आई का डायग्राम ह्यूमन आई वाला मैराथन देखो ना उसमें आई का डायग्राम है पूरा बढ़िया सिंह बी आने बी चैट पे आंसर का भरोसा नहीं करना है भाई आई एम टेलिंग यू हो अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कौन सा लेंस है ये विच लेंस इज दिस कोई बोलेगा लेंस कौन सा है वसंत यू yes, कैन यस कॉन्वेक्स लेंस है ये सर कैसे पता हाउ डू यू नो इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस व्हाट इज द क्लू इन द क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या क्लू दिया हुआ है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है सर वी नो बिकॉज क्वेश्चन ने हमको बता दिया छुपा के बताया लेकिन बता दिया कैसे स्क्रीन है ना स्क्रीन स्क्रीन इज वन आंसर राइट लेंस है और आपको इमेज स्क्रीन पर मिल रही है मतलब इमेज है रियल कौन देता है रियल इमेज

चीजें रखनी है सॉल्व करना है और प्लस थर्टी आएगा मेरे को एक बार बताओ फोकल लेंथ पूछा था फोकल लेंथ पूछा था ऑप्शन में दिए थे चार ऑप्शन माइनस भी थे प्लस भी थे क्या आंसर माइनस हो सकता था कभी माय क्वेश्चन टू यू हाँ अदिति मेक श्योर यू हैव एंड पेपर नो रियल इमेज फॉर्म हो सकती है ना अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बीच में हो तो उस तरफ टू एफ के बियॉन्ड हो जाएगी ना यस yes, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दो अगर तुमको पता है इफ यू नो इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव मतलब ऑप्शन में दो ही बचे प्लस वाले है ना फॉर दैट वी हैव टू सॉल्व नेगेटिव वाले तो हटा दो भाई माइनस फोकल लेंथ इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस हटाओ उसको राइट हाँ कॉन्केव में होता है नेगेटिव फोकल लेंथ यस बिटवीन एफ एन पी हाँ ट्रू कोई बात नहीं एरर इट्स नाइव एलसीएम क्या आएगा 90 आएगा। यानी क्या हो जाएगा 1 plus 3, 1 plus 2 हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा नाइनटी बाई थ्री मतलब थर्टी है ना चलो इजी क्वेश्चन है ना इजी आदित्य डीडो बोर्ड में नाम होना चाहिए चलो वालेकुम असलाम यस कमानस यूर राइट एक्स वन जीरो वन इज वॉचिंग एंड लाइक आर वेरी लेट कम डू इट क्वेश्चन नंबर फाइव कमॉन आफ्टर सिक्स क्वेश्चन विल सी लीडर बोर्ड लेट्स सी अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म नहीं नहीं आदित्य का नाम होगा लीडर बोर्ड में आई एम थिंकिंग बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द एंगल ऑफ डेविएशन प्रणाम ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है और अपवर्ड डायरेक्शन में है खुशी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव लेफ्ट में है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेटिव यस मेरा हो गया ना बहुत अच्छे डोन्ट बिलीव इन चैट इट लाइट इज पासिंग थ्रू प्रिज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एंगल ऑफ डेविएशनिटी करेक्ट यह अच्छी बात है, भाई, पोयम क्या है हमारी यह बताओ हमारी पोएम क्या बोलती है जल्दी जल्दी वॉट इज द पोयम लर्न हमने एक ऐसे नाज मेड सिंपल पोयम टाइप का एक क्या है वो विब ग्यूर नहीं

अब मोस्ट ग्रीन लाइट डेविएट्स मोर देन येलो अब विबग्योर लगा लो उसमें लगाना था सारा फंडा राइट right? है ना करेक्ट ये है में सानवी राइट सो विबग्योर इज देर एंड यू कैन थिंक ऑफ इट राइट ग्रीन येलो ग्रीन नीचे है येलो ऊपर है मीन्स ग्रीन विल बेंड मोर देन येलो, ग्रीन विल हैव मोर एंगल ऑफ डेविएशन देन येलो, ठीक है यस टोटल क्वेश्चन अविनाश ट्वेल्व नो नो रेड बेंड द मोस्ट नो नो रेड बेंड द लीस्ट आयरिस इज द मसल्स प्यूपल इज द होल है ना आयरस कंट्रोल करता है प्यूपल को सर क्लास नाइन्थ में साइंस चैप्टर सिक्स आरिश वी आर कमिंग टू अब इसके बाद वही करेंगे रीड इस क्वेश्चन के यस यस हेलो मैक ओनली लाइट सीन बाई ह्यूमन बींगस हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम में देखते हैं हम इनफ्राइड नहीं देख सकते यू भी नहीं देख सकते येस दैट्स वाई एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस टू एफ फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर राइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस टू एफ फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिर ऑफ फोकल लेंथ एफ द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज इसमें कैलकुलेशन लगेगा एबीसीडी अच्छा यू विल नीड कैलकुलेशन इन दिस टाइम चाहिए जल्दी करो ए तुक्के चल रहे हैं यहां पर चल रहे हैं ओके okay. कॉन्वेक्स बिर ऑफ फोकल लेंथ एफ इट्स अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन तनिष्का जरूरत पड़ सकती है थोड़ी सी वॉट इज दिस ओनली टेन पीपल गॉट दिस करेक्ट कितने लोगों को लगा कि टाइम कम था हाउ मैन यू फील्ड की टाइम वॉज लेस मिररर यर राइट इट्स अस मिर हे प्रियांशु नहीं अरे प्रियांशु हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा दोस्त कोई दिक्कत नहीं है कुछ मिस नहीं होगा वॉट इवी स्टार्टिंग इंफ्राइड लाइट इस पे ना बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे वो देखना कॉन्वेक्स नहीं देखा कॉन्वेक्स मिरर था देखो एक चीज तो आई एम आई एम प्रिटी श्योर ऑल ऑफ यू नो सर इफ इट्स अ अन्वेक्स मिरर इमेज बनेगा डिमिनिश है ना मैग्निफिकेशन होगा लेस देन वन सो वन तो पॉसिबल नहीं था है ना वन वॉज नॉट पॉसिबल आई नो यू थॉट कॉन्वेक्स लेंस तुमको लगा के 2F पे रखा है ऑब्जेक्ट तो 2F पे बनेगी इमेज तब भी उसका आंसर माइनस वन होता वन नहीं होता है ना सुनो ध्यान से कॉन्वेक्स मिरर है मैग्निफिकेशन तो वन से लेस होना ही होना है ये तो पक्का है लेकिन सर वन बाय थ्री होगा टू बाई थ्री होगा या वन बाय टू होगा आई डोंट नो

वन बाई वी प्लस वन बाई यूल एफ वी निकालना है तुमको तो इफ यू जस्ट फाइंड वी नो इफ यू सॉल्व फॉर वी यू विल गेट टू एफ बाई थ्री मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस ऑफ वी अपॉन यू इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट वन बाई थ्री एंड दैट इज बाय बाई थ्री इज द आंसर अरे शाम गुड यार जानवी दैट इज बाय डी वन नहीं नहीं डी नहीं था बी था ना बी बी वॉज द करेक्ट आंसर वन बाय थ्री राइट वन बाय थ्री इज द करेक्ट आंसर हाँ प्रियांशु पूरा वीडियो रहेगा यूट्यूब पे दोस्त है ना अगर ये सेशन खत्म हो जाएगा ये वीडियो रहेगा आप दोबारा रेफर कर सकते हो सोल्यूशन को, कोई दिक्कत नहीं है इट्स ओके जानवी सॉरी जाह सॉरीवी नोडा प्रॉब्लम टू एफ बाई थ्री कैसे आया देखो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यूज वन अपॉन एफ है ना वन अपॉन वी इक्वल वन अपॉन एफ माइनस ऑफ वन अपॉन यू यू कितना है माइनस टू एफ तो क्या आएगा वन अपॉन एफ प्लस वन बाई टू एफ एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा टू प्लस वन यानी कि फाइनली आएगा टू एफ बाई थ्री है ना यस करेक्ट लास्ट वाज वन वन बाई टू नो हाँ ठीक है इजी है गॉट इट गॉट योर मिस्टेक दिस वाज अ गुड क्वेश्चन इसमें टाइम भी लगता एफर्ट भी लगता कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने के चांस थे इसीलिए लेट सी अरे तो लास्ट पे है भाई पुगी, ओके पगी पगी इज ऑन टॉप एंड यू यूर द फास्ट वेरी गुड संयुक्ता वर ऑन सेकंड, गुरुराज इज़ ऑन थर्ड श्रीहरी इज ऑन फोर्थ सिंबा इज ऑन फिफ्थ वैष्णवी इज ऑन सिक्स्थ, जस्मिता, श्री विद्या सानवी एंड देन वी हैदित्य आदित्य तुमको जल्दी बहुत मची है तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे क्या कर रहे हो यस आदित्य इज अर्थमैन नाउ चलो क्वेश्चन नंबर सेवन लेट सी कोई बात नहीं देखो इट्स ओके इट्स ओके इफ यू गेट क्वेश्चन रॉन्ग डोंट वरी इट्स ऑल राइट इट्स इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स राइट नाउ है ना साइंस की क्लास कब होगी टेंथ की शिखा वी विल गिव यू अ प्रॉपर शेड्यूल टिल डिसंबर अब है ना डोंट वरी अबाउट दिस ओके वॉट कुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट अ रे पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब इमर्जेस आउट विदाउट शिफ्ट ये अच्छा क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है पर सोच क्या आंसर करना हा सुरेश आई कैन आंसर यू इट बी अंट देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करते हैं नॉर्मल से है ना अभी तो सिलेबस नवंबर तक हो जाएगा डोंट ट्रस्ट चैट्स यू आर राइट मैं मेरे को एक बार बताना सच सच बताना मैंने जितनी बार भी लाइट पढ़ाया है आई टोल्ड यू वन थिंग एवरी टाइम एक गलती जो लग रहा है सर क्या ही है हम थोड़ी करेंगे ये गलती यू विल ट्राई टू फरगेट सर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वी ऑलवेज ऑलवेज हैव टू फाइंड फ्रॉम द नॉर्मल

गलती समझ में आ गई ये नहीं करना यार ये दिस इज अ वेरी सिली मिस्टेक बहुत बच्चों से होती है प्लीज ये नहीं करना है हमेशा हमेशा एंगल निकालना है नॉर्मल से ठीक है इसके अलावा बात ही नहीं करेंगे यस yes? बस बस नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग ऊपर का कोड मेंटी के लिए सो गो टू मेंटी मेंटी डॉट कॉम पे जाओ और ये कोड डालो बस है ना इज़ लेटरल शिफ्ट अदिति लेटरल शिफ्ट क्या होता है ना इन इन ग्लास लैब दि इज अटल डिस्प्लेसमेंट वी कॉल इट लाइट रेट लेटरली शिफ्ट हो जाता है और एक बार आप देखो लाइट का मैराथन सेशन आपको मिल जाएगा ये चीज है ना yes! right. प्रयाशु डरना नहीं दोस्त देखो मैं बताता हूं तुमको लाइट का मैराथन और ह्यूमन आई का मैराथन और क्वेश्चन का यह सेशन करो बहुत है ठीक है कोई बात नहीं वी इज नेटिव इन कॉन्वेक्स इफ यूर के फोकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू थेक्स लेंसेज कॉन्सेज कॉन्वेक्स लेंसेज इज ट्वेल्व सेंटीमीटर्स इफ द फोकल ट्वेंटी सेंटीमीटर फाइंड पावर ऑफ द अदर लेंस भाई क्वेश्चन बहुत आसान है दो कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया है एक साथ कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स एक का फोकल लेंथ है 20, दूसरे का पावर कितना होगा ये पूछ लिया है, राइट right? सॉन्ग कौन सा सॉन्ग 3.3, पॉइंट थ्री ओके स्टिल मेनी एव नॉट लाइक द वीडियो हाँ यार ये कर दो क्या कर रहे हो? केस बेस क्वेश्चन का नाइस, गॉट इट राइट नो

उ टू ज्वाइन गो टू मेटी डॉट कॉम एंड पुट द कोड गेंगे डोन्ट वरी हम लोग आज भी किएर्सन रीजन राइट सैंपल पेपर में प्रियंट सैंपल पेपर जल्दी बताओ जल्दी बताओ है ना यस फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है है ना फोकल लेंथ फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है वी ऑल नो दिस मतलब पावर भी पॉजिटिव होगा ठीक है सर फोकल लेंथ टोटल टोटल पावर ऑफ द टू इज कितना हंड्रेड बाई ट्वेंटी दोनों लेंस जब मिला दे रहे हो उसका फोकल लेंथ कितना है सर 12 सेंटीमीटर ठीक है, है ना? इसका मतलब इसको मीटर में कर लो 12 बाई हंड्रेड है ना ये yes.

कैलकुलेटिव यस मेंटी बीस क्वेश्चन की आज बारह क्वेश्चन की है सही निकला ना सिंगर सॉन्ग अरे आसमी आज नहीं आज नहीं अरे अभी सीरियस बात चल रही है आज नहीं चलो क्वेश्चन नंबर नाइन पीपल सिमिलर आई थिंक वी हैव दिस क्वेश्चन सेवन तक हो जाएगा पक्का सही था ना ठीक है देखो पीपल इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम मेक श्योर आप मैराथन सेशन ध्यान से देखो सब कवर हुआ है ये हमने इतनी बार कवर किए हैं ये सारे कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर्स डरना नहीं है मैच द फॉलोइंग ये भी आसान है लेकिन ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं ध्यान से देखना ओके okay, चलो मैच द फॉलोइंग बोल रहा है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया प्रेस बायोपिया कैटर और कॉलम टू बोल रहा है लेंस लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस मैच द फॉलोइंग पता है क्या जरूरी होता है आसान आसान वालों को खत्म करते जाओ और मुश्किल वालों को बाद में देखेंगे लास्ट ईयर नहीं था यस लास्ट ईयर नहीं था ये ओ oh, नाइस nice यार वेरी गुड मैच द फॉलोइंग मतलब तुम लोग का स्ट्रॉन्ग है यू डोंट वरी अबाउट मैच द फॉलोइंग है ना चलो ये अच्छी चीज है कम से कम मैच द फॉलोइंग आप लोग का स्ट्रॉग है इसमें डरना नहीं है भाई मायोपिया हमको पता है मायोपिया क्या होता है सर मायोपिया इज शॉर्ट वर्ड शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का गुड दूर का बैड अच्छा इसके लिए क्या लगाते हैं सर लेंस लगाते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है सर लॉन्ग वर्ड लॉन्ग साइटेडनेस ओ लॉन्ग मतलब लॉन्ग दूर के ऑब्जेक्ट बढ़िया पास के अच्छे नहीं है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस चाहिए उसके लिए प्रेस बायोपिया अच्छा ओल्ड एज सर दोनों प्रॉब्लम यानी कि बाईफोकल चाहिए सर लेंस है ना हमारा लेंस जो है धुंधला जाता है इट बिकम्स शेडी ब्लरी इसके लिए तो सर्जरी होती है मोतिया बिंद है ना यस चिंदी क्वेश्चन करेक्ट ये गाना गाना लिख दिया क्या <laughs> इतना लंबा गाना ऑप्शन बी इसीलिए ठीक था ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन चलो ग्रेविटेशन क्लास नाइन्थ हो गया है गौरव आज के जो सेशन मैंने किया है ना पांच बजे मेंटी सेशन क्लास के लिए यस yes, उसको आ, उसके अंदर मैं ग्रेविटेशन का लिंक दे रहा हूं आप देखना ग्रेविटेशन का मैराथन आपके, आपके जाएंगे राइट right? अच्छा माओपिया आपका हाँ, कोई बात नहीं ऑब्जेक्ट मतलब बढ़िया दूर का खराब कृतिका कांट रीड आ गया कृतिका कांट रीड व्हेन शी होल्ड्स द बुक क्लोजर देन हंड्रेड सेंटीमीटर्स प्रिस्क्राइब अ लेंस ऑफ सुटेबल पावर देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले जाएंगे बचेंगे दो उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा मेंटी सेशन चल रहा है इजी क्वेश्चन लग रहा है क्या बहुत अच्छे डन वेरी गुड नाइस आंसर सही होने चाहिए देखो गलती नहीं करना साइंस टफ लगती है आरिश साइंस टफ नहीं है पता है पहले तो हम दिमाग से ही निकाले साइंस टफ है आप सेशन सारे देखो और क्वेश्चन सारे ट्राई करो बस, मैं बता रहा हूं आपके डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे ओके मेजोरिटी इज करेक्ट इट्स अ गुड थिंग ये दिक्कत कौन सी है वॉट इज द डिफेक्ट हेलो मीनाक्षी गुड वट इज द डिफेक्ट क्या डिफेक्ट है हा नाइस शी कांट रीड वेन इट इज क्लोजर देन हंड्रेड मतलब पास की चीज सर दूर की चीज मतलब सर दूर फार लॉन्ग लॉन्ग साइटेडनेस है, है हाइपरमेट्रोपिया तो है यहां पे है ना येस yes, करेक्ट इस तरह सोचो हाइपरमेट्रोपिया है क्या हो गया नियर पॉइंट ट्वेंटी फाइव नहीं है नियर पॉइंट नया हंड्रेड है और हम ये कर चुके हैं डन ऑफ ह्यूमन आई इन दिस पिछला सेशन बहुत टाइम लगाया था उन तीन क्वेश्चनों में फोर्टी फाइव मिनट हमने तीन क्वेश्चन सोल्व किए थे बस उसमें है ना क्या करते हैं यहां पर सर नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई ट्वेंटी फाइव ओके यानी कि यू हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव सर नया वाला न्यू नियर पॉइंट है कितना हंड्रेड वी हो जाएगा माइनस हंड्रेड बस क्या इसके बाद वैल्यू रखनी है निकालना है आ जाएगा और वन बाई थ्री आएगा तो काम खत्म थ्री आ गया राइट रिफ्रैक्शन कुछ नहीं है होती के लाइट बेंड कर जाती नीचे आते आते इसी को बोलते हैं राइट हाँ की चीज दूर की चीज यस थैंक यू आरिश पावर स्ट्रांग नहीं है कोई दे। ठीक है देखो ये क्वेश्चन में दिक्कत है अगर हमने का तीन क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे जो इसी के ऊपर थे और वो तीन क्वेश्चन हमने लगभग 40 45 मिनट्स तक सॉल्व किए थे मेक श्योर यू वॉच इट मैं नहीं चाहता हूं किसी बच्चे का वो वाले क्वेश्चन गलत हो ऐसे ही होते हैं ये करना मुश्किल नहीं है इसका एक प्रॉपर माइंडसेट है प्रॉपर तरीके हैं जिससे ये क्वेश्चन होते हैं ठीक है वो जरूर देखना यस मैग्नेटिक फ्लक्स का है प्रश्न ठीक है चलो नेक्स्ट अरे आयुष अगर वो नहीं होता ना बहुत कुछ हमको पता नहीं होता यार जरूरी है ये सब होना ओहो रेसिप्रोकल नहीं लिया टाइम कम था इट्स ओके खुशी आई नो कोई बात नहीं फोड़ दिया ना अरे वाह वा, वेरी गुड स्ने आशीष ओ oh, चलो इफ देयर वर नो एटमोसफेयर द ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन अर्थ वुड डिक्रीज एसर्सन रीजन है कोई मांग रहा था एसर्सन रीजन थोड़ी देर पहले एसर्सन रीजन है assertion क्या बोल रहा है इफ देयर वॉर नो एटमोसफेयर द ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन अर्थ वुड डिक्रीज ओके रीजन क्या बोल रहा है एडवांस सनराइज एंड डिलेट सनसेट अकर ड्यू टू एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन लेट्स सी नहीं हुआ बाइजूज पे कोई बात नहीं आपको मजा आएगा ए वेरी गुड क्या बोलते हैं अरे वाह प्रीवियस डाउट क्लियर हो गए ना उसके देखो एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता हम क्या बोलते हैं सर डिलेड सनसेट एडवांस सनराइज हमको दो मिनट पहले सन दिख जाता है और दो मिनट बाद तक दिखता रहता है यानी कि अगर एटमोस्फियर नहीं होता अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो क्या होता हमको यहां दो मिनट कटते यहां दो मिनट कटते हमारा दिन छोटा हो जाता ना है ना अ डे वुड बिकम स्मॉल बिकॉज मिनट अर्ली सनराइज टू मिनट लेट सनसेट है ना यस करेक्ट थैंक यू अरे वाह नाइस nice, है ना राइट right? अब रीजन क्या बोल रहा है व्हाट इज रीजन टेलिंग यू सर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट अगर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये तो बात सच है लाइट आता है बेंड करता 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 ऐसे आता है और लगता है हमको संतु वहां पे है इसीलिए, टोटल फोर मिनट एक्स्ट्रा दिखता है हमको लगभग. पहले मैं इतना मजाक नहीं करता यार यार सारे फ्रेंड्स सबकी वीडियो लाइक करना भाई ये ये नहीं भूलना एक्चुअली टीम को अच्छा लगता है, ये सब, है ना अगर मेहनत करते हैं लोग उनको थोड़ा अप्रिसिएशन अब क्या देखो एजुकेशन तो फ्री है यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं हम मोटिवेट करने के लिए जो टीम यहां काम कर रही है लाइक like मार सकते हैं कमेंट कर सकते हैं आपने अच्छा काम किया थैंक यू आप ये अगली बार अच्छा कर देना ठीक है इतना बात करोगे ना टीम बेचारी फुल खुश हो जाती है क्वेश्चन ट्वेल्व कमान बस लास्ट क्वेश्चन है ये कमान यस विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है हम करके बैठे हैं ये थैंक यू रूजेना दैट इज माई इंटेंट ंग यू लास्ट ईयर ऑल्सो ओह नाइस इनोसेंट नाइस अरे एकदम बढ़िया है आपकी चीकू बाबू इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर ऑफ स्का गलती मत करना नॉट एन ऑब्जर्वेशन पूछा है एक बात सच बताना टेल मी समिंग वेरी ट्रूथफुली हाउ मैनी इफ यू फॉर गॉट टू सी दिस नॉट कितने लोग नॉट देखना भूल गए को डाउन इन द चैट नीचे आना चैट में यू फॉर गॉट टू सी नॉट आना येस चिकु इज सपोटा यस राइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता है वही करेक्ट है ब्लू कलर ऑफ स्काउड स्कैटर ऑल द लाइट सारे कलर स्कैटर कर देंगे हम पे सारे कलर आ जाएंगे तो हमको तो व्हाइट दिखेगा ना क्लाउड अपियर व्हाइट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन अनोपी ऑफ फॉरेस्ट इसका मतलब पता है क्या सेम चीज घर के अंदर

सिमरन यस है ना कलर्स ऑफ रेनबो हमको ये तो पता है ना रेनबो के अंदर कोई बताएगा तीन फिनोमिना रेनबो वाले क्या क्या होता है रेनबो में नाइस nice, इट्स तीन फिनोमिना रेनबो के तीन फिनोमिना हम बहुत बार किए हैं कौन होता है क्या क्या होता है एक होता है रिफ्रैक्शन प्रिंस सिंह वेरी गुड खुशी सिंह डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन पार्शल रिफ्लेक्शन नाइस nice. पार्शल रिफ्लेक्शन इसको नहीं भूलना पार्शल है टोटल नहीं है ठीक है हम पढ़ चुके हैं ये बात टोटल नहीं टोटल नहीं पार्शल पार्शल टोटल नहीं है वो ठीक है सो पीपल लेट सी द फाइनल लीडर बोर्ड एक बार अरे वाह सिमरन हैप्पी बर्थडे नहीं देवी का टीआईआर नहीं होता बच्चे वो ना टोटल कंफ्यूजन है वो टीआईआर नहीं होता वो पार्शल होता है श्री हरि यू आर ऑन टॉप वेरी गुड बच्चे वेरी गुड नाइस देन वी हैव पगी मैं पगी सही बोल रहा हूं ना Then we have गुरु गुरुराज सिम्बा अर्थमैन वैष्णवी गुडू खुशी अलीशा Very good people. If you are not on लीड अबोड डरना नहीं है Question अच्छे थे दोबारा practice करना एक बार अपने से ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है नाइस वेरी गुड वेरी गुड यू वा नाइस बहुत अच्छे बच्चों वेरी गुड वेरी गुड ठीक है क्लास टेंथ मिड टर्म तैयारी हो गई है मेक श्योर sure, अगर डाउट लग रहा है इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ह्यूमन आई मैराथन लाइट मैराथन एंड क्वेश्चन सेशन दीज फोर सेशन यू जस्ट वॉच बस और कुछ नहीं चाहिए ठीक है यस yes, यस yes. अगला अब आगे बढ़ेंगे है ना अच्छा नहीं क्या कोई बात नहीं अब प्रैक्टिस करो दोबारा प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी खुद से करो कहीं डाउट लगे तो सॉल्यूशन देख लो इजी है ना रिवीजन हो गया ना बहुत अच्छे अच्छा यू आर गुड डू ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं इलेवेंथ आया तो अरे

लेकिन आप टेलीग्राम पे रहो ठीक है मेक श्योर यू आर ऑन टेलीग्राम जरूरी है कहा कैसे जाओगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है राइट यस आदित्य इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही जा रहे हैं हम लोग ठीक है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देखो लाइक like बहुत छोटी सी कीमत है एक सेशन की भाई सेशन तो सारे फ्री हैं नॉलेज फ्री है यहाँ पे है ना कोई पैसा नहीं मांगता है लेकिन क्या मांगते हैं लोग थोड़ा सा एप्रिसिएशन थोड़ा सा मोटिवेशन अगर मैं आपको मोटिवेट करता हूं आप उनको आप टीम को मोटिवेट करते हो कैसे एक छोटा सा लाइक करके एक छोटा सा कॉमेंट करके गुड जॉब आपने अच्छा सेशन बनाया हमको ये सेशन और चाहिए आप ये भी कर सकते हो ये सब बातें कर दो बस काम खत्म है ना यस yes? बिल्कुल ठीक है शेयर करना है नॉलेज दबा के रखना है यस एंड सब्सक्राइब वेरी गुड चलो थैंक यू पीपल सी यू सून ऑल द बेस्ट अगले हफ्ते से एंथे करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी करेंगे चलो टेक केयर बु बाय